नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं कुछ ऐसे योगों के साथ जो जन्म पत्रिका में अगर बनते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति तरक्की करेगा। कुछ ऐसे योग हैं जो सामान्यतः YouTube में कम मिलेंगे आपको, ठीक है, वो किताबों में ही मिलेंगे, या फिर कह लिए जिनसे आप सीखते हैं, सर हों, आचार्य हों या गुरुजी, उनके माध्यम से आपको मिलेंगे। उसमें से तीन योगों पे आज हम बात करेंगे और ये योग आपको पता होना जरूरी है अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं। अगर आपको नहीं ज्योतिष का शौक है या नहीं बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो भी अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा और उसको मैं आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, उन योगों को अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा। पहले योग की बात करेंगे, लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग क्या है? सामान्यतः ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि मंगल और चंद्रमा से बनने वाला योग लक्ष्मी योग। देखिए, वो भी योग है, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक महायोग या कह लिए राजयोगों में एक लक्ष्मी नामक राजयोग बेहद फलित होने वाला राजयोग कहा जाएगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद दो और राजयोगों पे बात करेंगे। देखिए, लक्ष्मी योग बनता कैसे है। लग्नेश, लगन का स्वामी अगर आपका बलि हो, लगन का स्वामी कोई भी हो सकता है, 1 नंबर से 12 नंबर तक का कोई भी नंबर यहां लिखा हो सकता है। मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि बनी, जिसका मालिक मंगल हुआ। अगर 8 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है, इस जगह पे अगर 7 नंबर लिखा है तो उसका अधिपति शुक्र हुआ, मतलब लग्नेश आपका शुक्र हुआ। अगर यहां पर 12 नंबर लिखा है तो ये कहा जाएगा लगन का मालिक आपका गुरु हुआ। हम लिख लेते हैं इसमें 1 नंबर। देखिए, 1 नंबर का मतलब ये हो गया मेष राशि। मेष राशि का मालिक मंगल हो गया। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, मंगल यहां पर अगर कहा जाए, लगन का मालिक बलवान अवस्था में लगन में बैठे, ठीक है, लगन का मालिक बलवान अवस्था में लगन में बैठे या केंद्र या त्रिकोण में बैठे। भाग्य का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में अगर बैठता है तो भी ये कहा जाएगा अच्छा है। अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में जाके बैठे तो ये कहा जाएगा इस योग का निर्माण होगा। एक कंफ्यूजन रहती है, यहां पर मान लीजिए 10 नंबर लिखा है और यहां पर 11 नंबर लिखा है। अब 11 नंबर शनि की मूल त्रिकोण राशि और 7 नंबर मान लीजिए आपका जो है, इस जगह पे मान लीजिए 7 नंबर लिखा है। अगर शनि यहां बैठे तो ये कहा जाएगा पूर्ण रूप से 100% आपको फल देगा, 100% वाला फल देगा। अगर शनि यहां बैठता अपनी राशि में तो भी ये अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा आपकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब इसका फल क्या बताया गया है? इसका फल बताया गया, ऐसे लोगों को सरकारी लाभ मिलता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो या किसी भी प्रकार से सरकारी धन की चेष्टा रखते हो। एक और इसका तर्क है, बिजनेस में भी ये सफलता को कहीं ना कहीं दिखाता है। फिर से समझ लीजिए, लगन का मालिक लग्नेश बलि अवस्था में केंद्र या त्रिकोण में हो, भाग्य का स्वामी अपनी स्वराशि का हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में बैठा हो तो ये कहा जाएगा आपकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी नामक राजयोग फलित हो रहा है या बन रहा है। दूसरा, अब हम बात करेंगे मत्स्य योग। मत्स्य योग का मतलब क्या हुआ, कैसे देखा जाता है ये समझिएगा। लगन और नवा भाव, लगन से हम लोग शरीर का विचार करते हैं, आप कितने फेमस होंगे, आपके अंदर कितनी ऊर्जा होगी, आपको कितना यश मिलेगा, आपका परिवार कैसा होगा, कई चीजें ऐसी हैं कि जो हम लगन से देखते हैं। भाग्य, लगन और भाग्य में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लगन और भाग्य में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। शुभ ग्रह मतलब, एक चीज और यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जैसे शुभ ग्रह हम लोग कहते हैं गुरु हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य क्रूर ग्रह है लेकिन कहीं ना कहीं ये भी शुभ ग्रह में ही आएगा। देवगुरु बृहस्पति हो गए, बुध हो गया, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा इन ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका में नवे भाव में या लगन में हो। अब जिन लोगों की
लगन अगर मान लीजिए यहां पर कुंभ लगन की है जन्म पत्रिका, अब कुंभ लगन की पत्रिका है तो कुंभ लगन का मालिक शनि बनेगा। शनि तो वैसे भी पापी ग्रह कहा जाता है। देखिए लगन की मैं बात कर रहा हूं, शुभ ग्रह मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि लगन के हिसाब से शुभ ग्रह देख लीजिएगा। अब मान लेते हैं कुंभ लगन की पत्रिका है, ठीक है, कुंभ लगन की पत्रिका है तो यहां पर जो नवे भाव होगा उसमें तुला राशि आएगी, तुला राशि जिसका अधिपति शुक्र होगा, ठीक है। अब कहा जाएगा लगन और भाग्य में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लग्नेश बलि अवस्था में केंद्र या त्रिकोण में हो, चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ भाव में यहां पर आएगी दो नंबर शुक्र जी की राशि, चतुर्थ का स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम भाव में आएगी आपकी तीन नंबर, मतलब ये कहा जाए शुक्र यहां आपका आ जाएगा। पंचम भाव में दो ऐसे ग्रह हो जो पापी हो और शुभ हो, दो ग्रहों का प्रभाव हो, पापी ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। अब मान लीजिए यहां पर दो ऐसे ग्रह बैठे हैं जो जन्म कुंडली में पापी भी हैं और शुभ भी हैं, और अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह यहां पर पापी बैठा हो, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दो या दो से अधिक कार्यों से धन कमाएगा एक साथ, बेहद अच्छा राजयोग, बेहद अच्छा इसका फल मिलता है। इसका फलित अगर कहा जाए तो कहा जाएगा व्यक्ति दो या दो से ज्यादा कार्यों में लिप्त होगा, व्यवसाय में अथाह तरक्की पाएगा। मत्स्य योग इसका नाम है और ये फलित है, बेहद अच्छे राजयोगों में इसकी गिनती होती है। एक बार और समझ लीजिए, लगन या नवे भाव का, लगन में या नवे भाव में शुभ प्रभाव हो, लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में हो, पंचम भाव में दो ऐसे ग्रह हो जो पापी भी हो और शुभ भी हो, अष्टम भाव में एक पापी ग्रह बैठा हो, तब निर्माण होगा आपका मत्स्य योग का। इसके बाद अब एक योग की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं यूप, यूप योग। यूप योग में चार भाव लिए जाते हैं, लगन से चतुर्थ तक का चार भाव लिए जाते हैं। अगर लगन से चतुर्थ तक में सभी ग्रह आपके आ रहे हों, सभी ग्रहों में मतलब सात ग्रह, राहु और केतु को यहां पर अभी किनारे रखिएगा। अगर सात ग्रह आपके जो है लगन से चतुर्थ भाव तक आ रहे हों, और मान लीजिए किसी के यहां पर चार ग्रह होंगे, किसी के यहां पर चार ग्रह हो सकते हैं, किसी के यहां पर चार ग्रह हो सकते हैं, किसी के यहां पर दो ग्रह हो गए, दो ग्रह हो गए, दो ग्रह हो गए, ऐसे करके उसके बाद लगन में एक ग्रह हो गया, दो ग्रह हो गया, या लगन में चार ग्रह हो गए, तो मतलब ये कहने का है कि यहां से यहां तक का आपके सात ग्रह आ रहे हों, राहु या केतु, मान लीजिए यहां पांच ग्रह बैठे हैं, ठीक है, पांच ग्रह बैठे हैं, तो उन पांच ग्रहों के साथ राहु या केतु ना हो, नहीं तो फल उतनी उस हिसाब से कम मिलेगा। राहु या केतु आपके यहां बैठ जाए, राहु या केतु में से यहां बैठ जाए, राहु या केतु में से यहां बैठ जाए, फिर से समझिए, लगन से चतुर्थ भाव के बीच में सभी ग्रह आपके आए छाया ग्रहों को छोड़ के, छाया ग्रह राहु और केतु, ठीक है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा, किसी के अंडर काम नहीं करेगा, जीवन में तरक्की कोई दिखाता है, ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो उसके साथ व्यवसाय भी करते हैं। हालांकि ये स्वतंत्र का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति व्यवसाय इत्यादि चीजों को ही दिखाता है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा, विदेश से संबंधित धन को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं विदेश गमन को भी दिखाता है। अगर व्यक्ति नौकरी ही करता है तो नौकरी में भी सफलता को दिखाता है ये योग, बेहद अच्छा, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति ये योग दिखाती है। तीन योग मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, अपनी जन्म पत्रिका में लगा के देखिएगा, इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए अच्छा कहलाएगा। बस एक चीज का समझ लीजिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, लगाने का ढंग जैसे मैंने बताया उस तरीके से लगाइएगा। सेकंड चीज, जीवन में ग्रहों का संबंध व्यक्ति को बड़ा बनाता है। अगर मैं जन्म कुंडली की बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस समय, नहीं पंडित जी, नहीं आचार्य जी, मेहनत आदमी को बड़ा बनाती है, बिल्कुल मैं कहूंगा मेहनत आदमी को या कर्म आदमी को बड़ा बनाती है, लेकिन मैं कर्म और मेहनत की बात अभी किनारे करके कुंडली की बात बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, ग्रहों का संबंध व्यक्ति को बड़ा बनाता है, ग्रह बलि हैं,
संबंध नहीं बन पा रहा है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि ग्रह का प्रभाव या ग्रह आपको फल अच्छा नहीं देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर ग्रह बली है और संबंध बना रहा है तो व्यक्ति को अथाह तरक्की को दिखाता है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।